हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास सेवन का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पहला दो चैप्टर पढ़ लिए, आज हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है दिल्ली सुल्तान्स, है ना? तो दिल्ली सुल्तान्स, तो हम लोग पहले जो है पिछले चैप्टर में क्या पढ़े, चोला, राजकूट, पांड्या, इसके बारे में फोकस कर रहे थे। तो हम लोग कहाँ फोकस कर रहे थे, साउथ में। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, नॉर्थ में। तो जो दिल्ली है वो हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ में ही है। तो दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट सेंटर क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में मैं पढ़ रहा है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले कि दिल्ली का बैकग्राउंड, फिर दिल्ली का रूल्स, उसके बाद जो भी दिल्ली सुल्तान्स हैं वो उन कैसे आए, उनको इंफॉर्मेशन कैसे मिला, है ना, कहाँ से आए, है ना। उसके बाद जो है कंसेप्ट ऑफ सर्किल ऑफ जस्टिस, ये कौन दिया, है ना, ये होता क्या है, है ना। उसके बाद जो है मिनाजे सिराज आइडिया रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में पहले क्या था, लेडीज लोग को तो उतना मतलब फ्रीडम नहीं था, और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत में सिलेट डायनेस्टी में सबसे लास्ट रूलर बनी है, इल्तुतमिश की बेटी है। तो लोग क्या बोल रहे थे कि भाई इल्तुतमिश का बेटा से ज्यादा बेटी में टैलेंट है, बट वट लग रहा था क्योंकि वो लड़की है। तो ये इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद गैरिसन टाउन से एम्पायर कैसे बना, है ना, दिल्ली सल्तनत कैसे एक्सपेंशन हुआ, मस्जिद के बारे में पढ़ना है, फिर कंपेयर करना है एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन खलजी और तुगलक डायनेस्टी का। कंसोलिडेशन मतलब कैसे यूनाइट हुआ, है ना। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो सबसे पहले दिल्ली का रूलर्स, दिल्ली जो है किंगडम का कैपिटल सबसे पहली बार जो है कैसे बना, उस समय जो है राजपूत थे, तुम्हारा राजपूत अनंगपाला, है ना। तुम्हारा को सबसे पहले कौन हराए, अजमेर के चौहान, कौन है अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है बैटल ऑफ तराई में किनको हराए थे, पहला बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद घोरी को हराए थे, कल पढ़े थे हम लोग 1191 में, फिर 1192 में मोहम्मद घोरी उनको हरा दिए, है ना। तो हम लोग पढ़े थे ना, चौहान को, जब चौहान का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है चहमनास, ठीक है ना। तो चैप्टर टू में आप पढ़े थे कि पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर के चौहान थे, वो आए थे आप मतलब अजमेर राजस्थान वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया, ये सब एरिया में ही वो रूल कर रखे ना। बाद में मोहम्मद गरी अफगानिस्तान से आकर के उन पर अटैक किए, तो पहला बार तो हरा दिए, लेकिन दूसरे बार प्लानिंग से अच्छे से उनको मतलब लूट लिए और हरा दिए। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत दिल्ली जो है दिल्ली इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर क्यों बना, क्योंकि वहां पे जैन मर्चेंट्स रहते थे, बहुत सारा टेम्पल्स बना था, क्वाइंस मिंट होता था, है ना, जिसको दिल्ली वाल बोला जाता था, दिल्ली वाल क्वाइंस जो वहां मिंट होता था, मिंट मतलब समझते बनता। तो वहां जो टोमरस है जो वो जो है वो उनको कौन रहा, वो किनसे हारे थे, पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान को कौन हराया, मोहम्मद घोरी बैटल ऑफ तराई में, है ना। नेक्स्ट, तो दिल्ली जो है दिल्ली सुल्तान में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब हार गए 1192 में, तो वहां पे पांच नया डायनेस्टी बना मिलके, ठीक है। पहला डायनेस्टी बना जिसको सिलेट डायनेस्टी से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उसका और भी डायनेस्टी का नाम है अमली तुर्की रूलर ममलूक डायनेस्टी। एक्चुअली ये कौन बनाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, स्लेव थे, इसलिए स्लेव डायनेस्टी बना। किसके स्लेव थे, मोहम्मद घोरी के, मोहम्मद घोरी के स्लेव थे, और पूरा राज जान गए थे, लपेट लिए फिर उनको, है ना। तो उसके बाद फिर वो बन गए मतलब मेन। उसके बाद खलजी डायनेस्टी आया, फिर तुगलक डायनेस्टी आया, फिर सैयद डायनेस्टी, और फिर लोधी डायनेस्टी, उसके बाद फिर मुगल, है ना, इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर बन गए थे। बाबर की कहानी के बारे में याद है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया, बोले क्या बोले, पानी पिया बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में, फिर खाना खाया बैटल ऑफ खनवा 1527 में, चंदा देखा बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, घर गया बैटल ऑफ घग्गर 1529 में, 1530 में मर गया, लगातार है ना। नेक्स्ट,
तो रूलर्स ऑफ दिल्ली जो है इसका पिक्चर देखिए क्लैरिटी नहीं आया है, वो पिक्चर क्लैरिटी है उसमें वो रिकॉर्ड दिखाई। तो अर्ली 20th सेंचुरी में 1165 में 1130 से 45 65 से 92 यहाँ तक हम लोग पढ़े ना अभी, मतलब मोटा मोटी बताया आपको कि पहले तोमरस थे, फिर आनंद पाल आए है ना, तोमरस डायनेस्टी में आनंद पाल थे, पृथ्वीराज चौहान थे 92 में, फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया है ना मोहम्मद घोरी के द्वारा। दो नाम इसलिए दे रहा है कि ये डायनेस्टी है, ये कब से कब रूल किए उसका है, 1 2 3 थे, 3 हारे है ना। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, मोहम्मद घोरी के ही स्लेव थे वो, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये पहला इंसान थे जो कैसे मरे थे, पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिर के मर गए थे है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि घोड़ा से गिर के कौन मर गया है ना, पोलो खेलते हुए। उसके बाद इनके बेटे थे दुबीस, तो 1210 से 1236 तक राज किए, फिर उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान और इनके सोल्जर थे गियासुद्दीन बलबन, तो ये इनका टाइम है ना। अब देखिए वहां पे इल्तुतमिश जो है बहुत सारा दिल्ली में काम कराए थे ठीक है, एक जो है मरौली पिलर मौर्य डायनेस्टी बनवाया था फाइनली, फिर जो आपका जो है फिरोज शाह तुगलक जो है जो लाल किला बना है, कितना स्टोरी है वो रेड फोर्ट पता नहीं, उसका पूरा अलग अलग कहानी है, उसका फाउंडेशन जो है इल्तुतमिश दिए, फर्स्ट स्टोरी जो है फिरोज शाह तुगलक बनाए, फाइनल अरे मोहम्मद बिन तुगलक बनाए उसके फाइनल फिरोज शाह तुगलक बनाए ऐसा है। अच्छा, तो मतलब इल्तुतमिश जो है दिल्ली में बहुत कुछ बनवाए हैं। उसके बाद जो है खलजी डायनेस्टी आए, जलालुद्दीन खलजी 90 से 96, फिर अलाउद्दीन खलजी 96 से 1316। तो अलाउद्दीन खलजी जो है एक नंबर के रियास मतलब अय्यास आदमी थे, और अय्यास आदमी किस मामले में उनको लड़की नहीं लड़का पसंद था, तो उसके बाद जो है इसके चक्कर में ये हारे थे, नहीं तो नहीं हारते। बहुत बड़े मतलब दिमाग बहुत शातिर था, बहुत कुछ कैप्चर कर लिए थे। उसके बाद जो है उनको मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक उनको हराए 1320 से 1324, फिर मोहम्मद बिन तुगलक बने 1421। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि सबसे बेवकूफ आदमी थे, मतलब थ्योरेटिकल बहुत ही ज्यादा थे लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं थे, मतलब जो भी काम करते थे वो सक्सेस नहीं होता था है ना मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर फिरोज शाह तुगलक आए, तो ये फिर बाद में और सब स्ट्रक्चर जो लेट ओवर स्ट्रक्चर जो था इल्तुतमिश का वो सब कवर किए है ना। उसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी आया खीर खान, उसके बाद लोदी डायनेस्टी बहलूल लोदी, फिर लास्ट में उसके 3 लोदी थे सिकंदर लोदी फिर इब्राहिम लोदी है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में बहुत सारा सोर्स कैसे पता चला भाई, ये लोग जो बुक में लिख रहे हैं कि ये आए वो आए दिस दैट, इनके बारे में पता कैसे चला, एक तो इंस्क्रिप्शन से, क्वाइन से और वहां के आर्किटेक्चर से है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री से ये भी था, तारीख, तारीख का पूरा फॉर्म होता है तवारीख, कब क्या हुआ वो सोर्स में ये सब लिखा रहता था, इंस्क्रिप्शन से क्वाइंस पे लिखा रहता था, कुछ अचीवमेंट होता था चाहे लड़ाई में कोई हार गया जीत गया तो दिखा रहा है तो उस पर लिखा हुआ रहता था ठीक है। नेक्स्ट, तो तवारीख क्या होता है, तारीख को बोलते हैं, तारीख बोले तो डेट उसका पूर्ण, तारीख जो है एक हिस्टोरियोग्राफिक है जिसमें हिस्ट्री लिखा रहता है कोई भी बड़े बड़े आदमी का है ना। तो जो भी सेक्रेटरीज है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, पोयर्स है और कॉटरीज है और कोटायर्स है, इसको मतलब क्या होता है कोटायर्स, मतलब किसको बोलते हैं जो पहरेदार होता है ना। तो ये जो तवारीख जो है सिमिलर है एक मैनुस्क्रिप्ट बनाने के जैसा, चार स्टेज होता है, जैसे पेपर को हम पहले प्रिपेयर करते फिर उसमें कुछ लिखते है ना, फिर गोल्ड को मेल्ट करके वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते, पैसेज को भी हाईलाइट करते, जैसे अभी सिस्टम आ गया गोल्ड कर दीजिए चाहे रंग दीजिए, उस समय गोल्ड को मेल्ट करके कर किया जाता था, उसके बाद फिर उसका बाइंडिंग करते ताकि पेपर खराब ना हो फ्यूचर में। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं मैनुस्क्रिप्ट करते हैं, तो वही चीज है मतलब तवारीख की जैसा है, मतलब उसका डेट को मतलब एक मेमोरेबल डेट की जैसा बनाने के लिए इंस्क्रिप्शन करते मैनुस्क्रिप्ट करते ताकि आप वो डेट याद रखो है ना। नेक्स्ट,
तो दिव्य सुल्तानस के बारे में कैसे पता लगा? बहुत सारा डिटेल्स है जो माइंड में आपको रखना पड़ेगा तवारीख और उसके ऑथर्स के बारे में। जैसे तवारीख का जो ऑथर्स है जो सिटी में रहते हैं मेनली दिल्ली में और हार्डली विलेज में रहते हैं, 90% जो भी ऑथर्स है वो सिटी में रहते हैं, वो जो है अपना स्टोरी लिखते हैं सुल्तानस के बारे में बड़े बड़े अवार्ड के लिए, भाई हम अच्छा चीज लिखेंगे तो हमको अवार्ड मिलेगा, है ना, राजा महाराजा को पसंद आएगा तो, है ना। तो ये ऑथर्स जो है रूलर्स को एडवाइस करते हैं कि भाई आप जो है एक सोशल ऑर्डर, आइडियल सोशल ऑर्डर प्रिजर्व करके रखिए बर्थ राइट और जनरल डिस्टिंक्शन के आधार पे। ये बर्थ से क्या समझ में आ रहा आपको कि वहां उस समय मेल फीमेल में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए जेंडर डिस्टिंक्शन को लेके और बर्थ में जो राइट है मतलब जो आदमी कहां जन्म लिया मतलब बच्चे किसका बेटा है वो, तो बर्थ राइट बोले तो जो राजा महाराजा से जन्म लिया है उसका बच्चा, और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो बॉयज और गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता मेल फीमेल, है ना। अब है उसी में जो है हक एम मुदबीर, है ना, ये 13th century में सर्किल ऑफ जस्टिस लिखे थे। सर्किल ऑफ जस्टिस बोले तो हर चीज जो है एक सर्किल की तरह चल रहा है, कहने का मतलब कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, हर लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये बोलना चाह रहे थे, है ना। ये बता रहे थे कि किंग जो है बिना सोल्जर्स का सर्वाइव नहीं हो सकता, सोल्जर्स जो है बिना पैसे का सर्वाइव नहीं हो सकता, और सैलरी जो है रेवेन्यू आएगा पीजेंट से तभी आएगा, सैलरी आप दे सकते हैं किंग उसको देगा, तो पीजेंट्स लोग जो है रेवेन्यू तभी देगा जब वो प्रॉस्परस होगा और खुश रहेगा, ठीक है। तो ये तभी होगा जब जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस होगा। तो इनडायरेक्टली कैसे रिलेशन हुआ, मतलब कि अगर राजा जो है सही है, अगर आपका मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपसे पीजेंट्स खुश है तभी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और तभी रेवेन्यू कलेक्ट होगा तभी आप सैलरी दे पाएंगे सोल्जर्स को, तभी आप सेफ रह पाएंगे। तो ये सेफ है, समझ में आ रहा है, ये सर्किल ऑफ जस्टिस है, मतलब आप अगर दूसरे को जस्टिस करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, इनडायरेक्टली यही हो रहा। ये अगर राजा जो है अगर सैलरी देना बंद कर देंगे तो सोल्जर्स खराब हो जाएंगे, सोल्जर्स अगर इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो किंग खराब हो जाएगा, इनका सैलरी जो है पीजेंट से आता है, कुछ नहीं रहेगा तो इनका सैलरी नहीं मिलेगा, तो फिर इनडायरेक्टली राजा को अफेक्ट होगा। तो सब लोग एक दूसरे से अफेक्टेड है, सर्किल ऑफ जस्टिस है ना। कौन लिखा है ये, हकरे मुदबीर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज जो है रजिया के बारे में क्या सोचते थे, रजिया कौन है और मिनहाज सिराज कौन है, ये जो है रजिया, अभी आपको बताएंगे रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी जो 1236 में सुल्तान बनी थी, यही है रजिया सुल्तान। और ये जो है प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे ममलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का, और क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर मतलब जो मैगजीन्स वगैरह लिखना मतलब जो ऑथर है ना। तो मिनहाज सिराज क्या है, वो पहचान गए थे कि मतलब रजिया सुल्तान ज्यादा एबल है और क्वालिफाइड है बाकी उसके भाइयों से, बहुत सारे भाई थे पहले जमाना में, खाली वाले बच्चा होता था, तो बहुत सारे भाई थे और वेल क्वालिफाइड है लड़की, इतना बात बोले लेकिन आगे में बट लग गया, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग बीन एज ए रूलर, वो कम्फर्टेबल नहीं थे कि भाई कोई लड़की एज ए रूलर है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सोसाइटी अलग तरह का देखे थे और उससे अलग तरह का सोसाइटी इनको दिख रहा था, है ना। गाना सुने ना, रजिया गुंडों में फंस गई, वो इसी पर है फंस गई थी। एक बार क्वेश्चन आया था कि रजिया सुल्तान किस कलर का सूट पहन के सीट से गई थी गांधी जी से मिलने यूपी गवर्नमेंट, रेड कलर का सूट रजिया थी नहीं ना, अरे गांधी जी से बोल रहे सॉरी, मतलब उससे उधर के ट्रेडर से पार करने में गई थी, तो किस कलर का सूट पहन के गई थी ऐसा था। अच्छा, यहाँ पे तो रेड कलर, वो अब ये तो नॉर्मल फोटो है मतलब सीट पे। मिनहाज सिराज जो है रजिया के बारे में क्या सोचते थे कि प्रिंस रूलर्स जो है हमारे आइडियल सोशल ऑर्डर जो गॉड क्रिएट किए हैं उससे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से अगेंस्ट है, है ना, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड है, ये काम लड़कों का है ये काम लड़कियों का है, उससे जो है उनको अगेंस्ट जा रहा था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो डिफरेंस को। तो वो लिखे थे कि गॉड के क्रिएशन के रजिस्टर में उनका अकाउंट जो है पूरे मेन के कॉलम में आया ही नहीं है ना, तो कैसे फिर ये एक्सीलेंट क्वालिटी चारों से पा रही है,
ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वही बात है। उसी तरह से रुद्र व देवली का स्टोरी है, दीदा का स्टोरी है। दीदा क्या है एक्चुअली, मतलब दीदी है, उसको दीदा क्यों बोल दिया गया, क्योंकि वो मेल की तरह बिहेव की, कश्मीर की रूलर थी, क्वीन कश्मीर की रूलर थी, वो काफी मतलब ब्रेव रूलर थी, तो उसको दीदी ना बोल के दीदा बोल दिया गया, मतलब मेल डोमिनेटेड और फीमेल है, इसलिए। तो इसी तरह से सबका स्टोरी से मतलब इंस्पायर होकर फिर बाद में उनका माइंड सेट बदलेगा, जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना लोग, जो पहले माहौल देखे हैं और एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा, गैरिसन टाउन से एम्पायर कैसे बना? गैरिसन टाउन क्या है? एक ऐसा एरिया है जो हाईली फोर्टिफाइड है और सिर्फ सोल्जर्स वहां रहते हैं। गैरिसन टाउन बोले तो जैसे दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है वो चारों ओर से फोर्टिफाइड वॉल से घिरा रहेगा, तो वो टाउन को बोलते हैं गैरिसन टाउन। लेकिन अब वो दिल्ली सल्तनत वाला गैरिसन टाउन जो है, इनिशियली उसका कंट्रोल जो था सिर्फ गैरिसन में रिस्ट्रिक्टेड था, मेजर कंट्रोल नहीं था हिंटरलैंड को। हिंटरलैंड बोले तो गैरिसन टाउन्स के आजू बाजू वाला जो एरिया है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लैंड एडजेसेंट टू द सिटी और पार्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विस, इसका मतलब हुआ है ना, जो उसके आजू बाजू वाला सिटी है, लैंड है जो उसको गुड्स और सर्विस दे रहा हो, है ना। तो दिल्ली सल्तनत जो है डिपेंडेंट था ट्रेड पे, ट्रिब्यूट पे और प्लंडर पे, लूटपाट पे ही डिपेंडेंट था वो लोग। लूटपाट होता था तो उसका चलता था सल्तनत, है ना। वो ऑलरेडी स्लेव डायनेस्टी लूटपाट करके ही बनाया, मोहम्मद गौरी से ही सीखा, है ना, वो तो लूटपाट करके ही सब कुछ किए। तो भाई जिसका दादा और मतलब जिसका जो मतलब गार्जियन ही वैसा है तो वो तो वैसा ही निकलेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी वैसा ही निकला। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो ट्रेड पे डिपेंड करते थे, कोई गिफ्ट रूप दिया तो अरे तो लूटपाट, है ना। तो उसपे एक प्रॉब्लम क्या था, देखिए गैरिसन का जो टाउन्स का जो कंट्रोलिंग था वो बंगाल में था, और दिल्ली का कंट्रोलिंग में जो सिंध था वो दोनों डिफिकल्ट था। गैरिसन बंगाल में, सिंध दिल्ली के पास, दोनों में डिस्टेंस का काफी गैप हो रहा ना, और लैंग्वेज का भी है। तो रीबिलियन जो लोकल्स और गवर्नर्स लोग जो है फिर से वार हो जाता था, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे वहां के लोकल लोग, मतलब अगेंस्ट भी चल जाते थे आप उसके कुछ, आप भाई उसके फेवर में काम नहीं करोगे तो अगेंस्ट जाएंगे ही। दूसरा चीज और डिस्टर्ब क्या करता था, वेदर कंडीशन भी था, बैड वेदर कंडीशन रहता था, तो यहाँ से वहां सप्लाई मतलब पहले थोड़ी था कि फोन कर दिए चल गया, मतलब चिट्ठी में जाता था, कबूतर लेके जाएगा चाहे कुछ आदमी लेके जाएगा। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम की भी वजह से गैरिसन ज्यादा कंट्रोल आपने दूर तक फैला नहीं पाया, सिंह और गैरिसन जो है बंगाल में एरिया है ना, तो गैरिसन और सिंध में हो नहीं पाया। दूसरा चीज है मंगोल इन्वेजन हो गया था अफगानिस्तान में, मंगोल एक ट्राइब्स है, जो अफगानिस्तान का ट्राइब्स है मंगोल और चाइना में भी है, तो हाँ ये लोग जो है मतलब वार छिड़ दिए थे, तो उनसे भी थोड़ा कमजोर हो रहे थे वो लोग, इसलिए बहुत लंबा दूर तक ये लोग अपना कंट्रोल बढ़ा नहीं पाए। लेकिन कंसोलिडेशन सल्तनत का जरूरी था, है ना। तो कंसोलिडेशन कैसे हुआ, जब गियासुद्दीन बलबन आए, रजिया सुल्तान के बाद आए ना बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए और मोहम्मद बिन तुगलक आए, ये तीन रूलर मिलके अलग अलग रीजन का कंसोलिडेशन करके पूरे दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किए, यूनाइट किए। पहले डिफिकल्ट हो रहा था, नेक्स्ट यही है तीन से एक्सपेंशन जो है इनको, इसलिए जो दो फ्रंट में है इनको इंटरनल फ्रंटियर बोलते हैं और सबसे लास्ट वाले को एक्सटर्नल फ्रंटियर बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों वाले जो है मतलब एरिया में इंटरनली काम किए थे और ये बाहर से काम किए थे, डैम बनवाए थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह कराए थे, मतलब बाहर से काम करके यूनाइट किए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक्सटर्नल फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब याद रखिए एग्जाम में आता है। तो इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है, इसमें सल्तनत जो है अपना जितना भी गैरिसन का जो टाउन्स है और उसका हिंटरलैंड है सबको कंसोलिडेट कर लेगा, उसका मेन एम यही है। जितने भी फॉरेस्ट है गंगा यमुना दोआब में, दोआब किसको बोलते हैं, दो रिवर के बीच का जो लैंड होता है, तो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है वो एरिया में पूरा फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, ठीक है। हंटर गैदरर्स और जो भी पैस्टोरलिस्ट है जो गायबैंस चलाते हैं उनको वहां से हटा दिया गया, है ना, तो वो एरिया कवर कर लिया। ये लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया गया और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा क्यों, पीजेंट्स को क्या दिया गया, क्योंकि उनसे हमको रेवेन्यू चाहिए, टैक्स चाहिए, तो वो खुश रहेगा तभी ना, तो उसको खुश करने के लिए इनको लपेट लिया, है ना। नेक्स्ट
तो ईस्टर्नल फ्रंटियर क्या होता है, सल्तनत के अलावा जो लैंड है जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था, है ना, मिलिट्री एक्सपेडिशन करा के सदर इंडिया में भी अलाउद्दीन खलजी और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ये मिलिट्री एक्सपेडिशन करा के वार वगैरह जीत के बढ़ा लिए, है ना, तो ये एक्सटर्नल फ्रंटियर हुआ, समझ में आया बात, मतलब ये फाइट करके जीत लिए। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सटेंड किए, सुल्तनत सल्तनत आर्मी जो है एलिफेंट हॉर्सेज और जो भी स्लेव्स अपने साथ में प्रीशियस मेटल्स भी ले लेते थे, ले चलते थे जीतने के बाद, है ना। एक्सपेंशन स्टोरी दिल्ली सल्तनत का 150 साल तक चला, अलाउद्दीन मतलब साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेन भी चलता था, कैंपेन करते थे मतलब साथ में जो घोषणा उतना होता है ना बड़ा बड़ा एक जगह करेक्ट करके वैसा। नेक्स्ट फिर वहां पे मस्जिद, मस्जिद जो है उसी समय आया था, ऐसा प्लेस जहाँ पे मुस्लिम लोग मतलब अल्लाह को रेफरेंस दे करके प्रोस्ट्रेट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना, झुक के। तो मुस्लिम लोग जो है जो प्रेयर्स पढ़ते हैं वो हमेशा साथ में पढ़ते हैं, है ना। इमाम जो है सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होते थे उस समय, और जो भी बड़े बड़े स्कॉलर लर्न मैन जो हैं वो मतलब रिचुअल्स करने के लिए चूज किए जाते थे, मतलब जैसे हमारे लोग में मतलब पुजारी होते उनके लोग में रिचुअल्स के लिए पढ़े लिखे लोग, है ना। उसके बाद जो है वो सेरेमोन भी वही डिलीवर करेगा जिनको खतबा बोलते हैं, सेरेमोन बोले तो जो जो प्रेयर कराएगा, है ना, फ्राइडे को होगा जुम्मा को, समझ गए। तो जो खतबा जो है वही जो पढ़ा लिखा आदमी है वही कराएगा, है ना, वही डिलीवर करेगा सेरेमोन, जैसे उनका महात्मा बुद्ध पहला सेरेमोन कहाँ दिए थे, बोधगया में तो पढ़ाई किए थे सारनाथ में, तो फ्राइडे में। तो ये प्रेयर के दौरान जो है मुस्लिम का जो खड़े रहेंगे और फेस किधर रहेगा, वेस्ट की तरफ, क्यों, इसको किबला बोलते हैं, क्यों, जो खड़ा होकर के ऐसे करते ना वो लोग इस तरह से क्यों करते, फेस के वेस्ट की तरफ ही फेस क्यों रखते, पश्चिम की तरफ भी फेस रखेंगे क्योंकि उनका मक्का मदीना क्या बोलते हो जो सऊदी अरब में है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, ये जो मक्का है ना ये वेस्ट की तरफ है ना, इंडिया से किधर है, वेस्ट की तरफ है ना, हाँ इसलिए वेस्ट की तरफ रखते हैं, डायरेक्ट वहां कनेक्शन होता है उनका। तो जो कांग्रीगेशनल मॉक्स है ना, कांग्रीगेशनल मॉक्स बोले तो सब लोग मिल करके, है ना, तो मेन मॉक जो सिटी में होता है जहाँ पे फ्राइडे में कॉमनर प्लेयर ऑफर किया जाता है, इसको मस्जिद जामी या जामा मस्जिद बोला जाता है, ठीक है। तो मक्का मक्का के डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ होता है, समझ गए। और जो जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं, जो ऐसा मॉस्क है जो सिटी में है सबके मिक्स करके मिल करके जो हुआ है, ठीक है, जहाँ पे फ्राइडे पे कॉमनर प्रेयर होगा, ठीक है, उसको जामा मस्जिद बोलते हैं। तो डायरेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो मस्जिद में दिल्ली सुल्तान जो है बहुत सारी मस्जिद बनाए, आपने सिटी में भी बनाए और ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में भी बनाए। तो ये जो है इस्लाम और मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए बनाए थे, रिलीजन का अफेक्शन था इसलिए बनाए थे, और इससे एक कम्युनिटी का एक सेंस आएगा, मतलब एक टुगेदरनेस होगा इस्लाम के बिलीवर्स को, उसके लिए बनाए थे, है ना। जैसे कि एक कुआलत अल इस्लाम, कुआत अल इस्लाम जो है एक भी कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, पहला सिटी बिल्ट है जो दिल्ली सुल्तान बनाया था, जो सिटी में कॉन्ग्रीगेशनल बोले तो सब लोग मिल के बनाते जो, है ना। तो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क सबसे पहला जो सिटी दिल्ली सुल्तान बनाया था उसका नाम क्या था, कुआत अल इस्लाम। दूसरा है बेगमपुरी मॉस्क, बेगमपुरी मॉस्क जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बना था, और ये मेन मॉस्क था जाफना का, है ना, जो वर्ल्ड का सेंचुरी बोला जाता है, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है मौत की मस्जिद, मौत की मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी के टाइम में बना था, उसके मिनिस्टर्स लोग बनवाए थे। उसके बाद जामली मस्जिद, जामली मस्जिद जो है यहाँ वाला जामली नहीं, जामली कमली जो 1520 के आसपास में बना था, मतलब वही लोदी परिवार बनाया था, है ना, अब्राहिम लोदी चाहे सिकंदर लोदी। तो ये सब कौन कौन बनाया था एग्जाम में आता है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, है ना। उसके बाद जो है किंगडम और एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आने लगा, है ना, आपकी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ और कंट्रोल कैसे हुआ वो पढ़िए। एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेव्स का क्या रोल था, इक्ता क्या था, इक्तदार क्या था, टाइप्स ऑफ टैक्स था, ये सब, है ना।
तो चीफ टेंस और उनका फोर्टिफिकेशन, जो बड़े बड़े जो चीफ टेंस होते थे मतलब मुखिया टाइप, वो उनका फोर्टिफिकेशन मतलब वो अपना फोर्टिफाइड वॉल्स बनाते थे दिखावा के लिए कि हम इतने मतलब रईस आदमी हैं, है ना। उसके बाद जो है मंगोल्स अटैक को कैसे, मैंने गेंगीज खान जो है मंगोल्स अटैक को रिस्पॉन्ड किए थे, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है नेक्स्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्लेब्स में, स्लेब्स का रोल क्या था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के कंसोलिडेशन में क्या किए थे। तो जो रिलायबल गवर्नर था और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका जरूरत था हमको, तभी वो कंट्रोल कर पाएगा सल्तनत। तो एरिस्टोक्रेट्स अपॉइंट करने के बजाय वो लोग लैंडेड चीफटेंस को गवर्नर बनाते थे। एरिस्टोक्रेट मतलब जानते, मतलब हाँ मतलब हर जगह एक एक आदमी डिपूट करते ना। अब जैसे अपना है आईएसआई है, उसके नीचे डीएम, डीएम के नीचे एसपी, एसपी के नीचे डीएसपी, इस तरह का होता है ना। तो एरिस्टोक्रेट नहीं अपॉइंट करते थे, उसके बजाय जो है जो जमीन जायदाद वाला जो चीफटेंस था उसको गवर्नर बनाते थे वो। तो दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश जो है वो सेवर ये स्लेब्स को ही फेवर करते थे, ठीक है। पर्शियन में बंदरगान होता है जो अपॉइंट हुआ जाता है, पॉलिटिकल ऑफिस जब अपॉइंट होता है, पॉलिटिकल ऑफिसर जब अपॉइंट होता है किसी को, तो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बंदगान। तो स्पेशली जो है मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदते थे, और जब वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते थे मास्टर पे, तो सुल्तान जो है उनको भरोसा करके उन पर रिलाई करता था, मतलब विश्वास करता था। तो सुल्तान जो है मतलब टोटली डिपेंडेंट हो जाता था मिलिट्री के मास्टर पे, है ना, या फिर उनका जो चीफ टेंस है लैंडेड वाला, जमीन जायदाद वाला, है ना। नेक्स्ट, तो जो क्या बोलते हैं खलजी और तुगलक जो है ये भी बंदगान ही यूज करने लगा हाई पोजीशन को पॉलिटिकल देने के लिए। बंदगान बोले तो बंदगान बोले तो वो स्लेव्स को रखते थे, अपॉइंट करते थे पॉलिटिकल ऑफिस में, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े पोस्ट पे ये लोग को नहीं रखते थे, स्लेव्स को ही रखते थे, जो मतलब मिलिट्री में अच्छा काम कर रहा है, जो मतलब अच्छा भरोसे वाला काम कर रहा है। तो ये जो है इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया। क्यों भाई, स्लेव्स और क्लाइंट्स जो है अपने मास्टर से और पैट्रोन से लॉयल तो है, लेकिन उनके हियर्स से लॉयल नहीं है। हियर्स बोले तो पीछे वाले पीढ़ी, पीछे वाले पीढ़ी से लॉयल नहीं है। न्यू सुल्तान जो है उनका खुद सर्वेंट है, अपना सर्वेंट बन जा रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा, ऑन एक्सेशन देयर वाज ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, पुराना वाला और नए वाले में लड़ाई हो जा रहा था। अब किसी को भी लगेगा अगर आप छोटे पोस्ट पे हैं और आपसे छोटा, आप बड़े पोस्ट पे हैं, आपसे नीचे वाला छोटे पोस्ट पे है, कुछ देर के बाद आपसे नीचे वाला बड़ा पोस्ट बन गया, आप वहीं का वहीं है, तो लगेगा कि नहीं आप तुम ताम करके बात करें, बाद में आप करके बात करना पड़ेगा, तो तकलीफ होगा। तो वही हो रहा था उनके साथ, नया नया सुल्तान जो है उसी का सर्वेंट रहता था और सुल्तान बन जा रहा था, तो इसलिए लड़ाई हो जा रहा था। ये सिस्टम जो है बहुत सारे इलाइट लोग, बड़े बड़े वीआईपी लोग के द्वारा पसंद नहीं हुआ, और जो पर्शियंस तवारीख जो लिखते थे उनके ऑथर्स के द्वारा भी पसंद नहीं किया गया, यही वजह था। नेक्स्ट, तो इलाइट्स और ऑथर जो पर्सन था वो दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज करने लगे कि भाई लो और बेस बोर्न को हाई ऑफिस आप क्यों अपॉइंट कर रहे। तो इसकी वजह से जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है अजीज कुमार एक वाइट डिस्टिलर है, फिरूज हजाम एक बार्बर था, मंका तबाका एक कुक था, और दो गार्डनर को लधा एंड पीरा उसको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दिया था। जियाउद्दीन बरानी एक मिड 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर था, वो रिपोर्ट किया उनके अपॉइंटमेंट को कि सुल्तान का पॉलिटिकल जजमेंट का लॉस है और उसका इनकैपेसिटी है रूल करने के लिए, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो रूल कर सके, ऑलरेडी वो नीचे से आए हैं तो अभी जानते नहीं है लोगों को कैसे हैंडल करना है ना। और दूसरा चीज है कि उनको भी तकलीफ हो रहा था, नीचे वाला ऊपर जा रहा। तो किंगडम में इक्ता सिस्टम और टैक्स के बारे में पढ़ना है। तो मिलिट्री कमांडर जो है अपॉइंट किया गवर्नर्स, बहुत सारे अलग अलग साइज के गवर्नर्स को अपॉइंट किया। अब ये जो लैंड है इनको इक्ता बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग लैंड का ग्रुप को इक्ता बोला जाता है। लैंड होल्डर्स को उस समय क्या बोला जाता है, इक्तादार या फिर मुक्ति लैंड होल्डर को, जो जिनका जमीन है
ठीक है। तो जो मुफ्ती जो इकतदार का ड्यूटी क्या था, वो लोग मिलिट्री कैंपेन चलाते थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे अपने इकता में, ठीक है। उनको राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू राइट दिया गया था, टैक्स लेने का राइट दिया गया था, क्योंकि उनके पास जमीन है ना। उनको सैलरी, वो जो है सोल्जर्स को सैलरी देते थे रेवेन्यू के, ये रेवेन्यू के अलावा भी घर से सैलरी जो है उनको, मतलब मिलिट्री सर्विस के अगेंस्ट सैलरी भी देना था। फिर इक्तादार के ऊपर जो कंट्रोल था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्यों? हाँ, रेवेन्यू पूरा इनके कंट्रोल में था, है ना। इनके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है क्योंकि मेन पैसा तो इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, तो इक्तादार जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जाता था, उनका ऑफिस इनहेरिटेबल नहीं था, ऐसा नहीं है कि आप बन गया तो आपका बच्चा बनेगा, है ना। वो जो है उनको इक्ता असाइन किया जाता था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और हमेशा इक्तादार का ट्रांसफर हुआ जाता था, तो आप टिक नहीं पाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो ये जो शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद बिन तुगलक का, ये कंट्रोल ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अकाउंटेंट्स अपॉइंट किया गया कि भाई रेवेन्यू चेक जो कलेक्ट किया जा रहा है इक्तादार के द्वारा वो चेक करो तुम। फिर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करा जाए कि वो इक्तादार जो कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट प्रिस्क्राइब करा है, और वो कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स अपने साथ रखे हैं, मतलब गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, है ना। जो भी टैक्स कर रहे हैं वो दे रहे हैं कि नहीं, है ना। नेक्स्ट, उसलिए अकाउंटेंट रखा गया था। तो दिल्ली सुल्तान जो है हिंटरलैंड को कंट्रोल करने लगा, समंताज और रिच लैंडलॉर्ड्स जो है फोर्स करने लगे कि भाई आप अपना ऑथोरिटी एक्सेप्ट करिए, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे एग्जांपल था, ये क्या किए, ये राइट लिए कि भाई आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए अपने कंट्रोल में, जो कि आप लोकल चीफ्टेंस को जो राइट था और इक्तदार को जो राइट था वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको दिक्कत हो रहा था। और उनको क्या, अलाउद्दीन खिलजी जो है जबरदस्ती फोर्स कर दिया टैक्स पे करने के लिए। मतलब कभी कभी क्या है, पुराने पुराने चीफ टेंस और लैंडलॉर्ड जो है सल्तनत को सर्व किए रेवेन्यू कलेक्टर अक्सर बहुत लंबे समय तक, तो नहीं भी देते थे, उनको जबरदस्ती फोर्स कर दिया गया सबको टैक्स देना है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा कुरकर, मतलब निर्दयी टैक्स नेता था, काइंड हार्टेड नहीं था। तो ये जो है थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स लगाते थे, कल्टीवेशन पे जिनको खराज बोला जाता था, पिजन जितना भी प्रोड्यूस करेगा उसका 50% टैक्स देगा, कैटल पे जो गाय भैंस चलाते हैं, है ना, और घर पे जिनका अपना घर है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो बड़े पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है वो जो है दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सुल्तान से बाहर था, तो डिफिकल्ट करना था कंट्रोल, क्योंकि डिस्टेंट दूर दूर वाला प्रोविंसेस जैसे बंगाल है वो अपना इंडिपेंडेंस चाहता था, गैंगेटिक प्लेन जैसे सुल्तान जो है उसमें घुस नहीं पाता था, लोकल चीफटेन जो है फॉरेस्टेड एरिया यूज कर लेते थे। फिर इवन बतूता जो है एक्सप्लेन किए थे कि कैसे लोकल चीफटेन जो अपने आप को बचाए, ठीक है, नाम सुने हैं इवन बतूता, गाना में भी है इवन बतूता। तो फोर्टिफाइंग करते थे माउंटेन्स में, रॉकी और अनइवन जो रग्ड प्लेस था वहां पे फोर्टिफाइंग वॉल बनाते थे, वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया में रहते थे बंबू ग्रुप्स बना के, इस सेंस में ये लोग जो है पावरफुल आर्मी से दूर थे, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं थे, है ना। नेक्स्ट, तो जो भी चिप्टेंस और फोर्टिफिकेशन था ये पूरा एरिया दिया हुआ उनका, ये मैप में आप देख लेना। उसके बाद जो है मंगोल्स अटैक को कैसे रिस्पॉन्ड किए, मंगोल्स जो है गेंगिस खान के कंट्रोल में इनवैलिड ट्रांजोक्सिया, ट्रांजोक्सियाना नॉर्थ ईस्ट में ईरान में 1219 में आया था, वो क्या किया दिल्ली सल्तनत को अटैक करा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो देखिए दोनों सुल्तान इसको कैसे डील करता है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किए, दिल्ली को दो बार अटैक किया गया 1299 में और फिर 1302 में, है ना, एक साल के लिए। इसको टैकल करने के लिए वो जो है बहुत आर्मी बढ़ा दिए, नया नया गैरिसन टाउन नेम सिटी बना दिए, मतलब नया नया गैरिसन टाउन बना दिए कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद जो है जो भी गंगा यमुना वाले एरिया से जो भी टैक्स आता था वो कलेक्ट करके सोल्जर्स को देने लगे, और टैक्स फिक्स कर दिए कि भाई पीजेंट जितना भी उपज करेगा उसका 50% टैक्स होगा। तो सोल्जर्स का जितना भी आप बढ़ाएंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, दिल्ली को अटैक किया गया था मंगोल, उनको मंगोल का आर्मी जो है दिल्ली को अटैक किया था, तो वो जो है वो भी बड़ा आर्मी बढ़ा दिए थे लेकिन वो हार गए थे, है ना, हरा दिए थे, है ना, मंगोल आर्मी वाले जीत गए।
नौ गैरिसन टाउन्स वहां कंस्ट्रक्ट, गैरिसन टाउन्स तो कंस्ट्रक्ट नहीं किए थे बल्कि पुराने गैरिसन को खाली करके वहां के जो भी रेसिडेंट है उनको नए कैपिटल में भेज दिए थे, दौलताबाद। दौलताबाद जानते ना, औरंगाबाद के पास जो है। हाँ, फिर जो भी प्रोड्यूस हो रहा था सेम एरिया में उसको टैक्स कलेक्ट करके आर्मी को देते थे और एडिशनल टैक्स इम्पोज करते थे, मतलब जिसकी वजह से फेमिन आ गया था। फेमिन बोले तो भुखमरी, तो भुखमरी आ गया था क्योंकि वो एडिशनल टैक्स इम्पोज करता था। बताया ना आपको कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आदमी था, मतलब प्रैक्टिकल सोचता नहीं था, इसलिए कोई भी चीज इसका सक्सेस नहीं होता था। तो ये दोनों लोग कैसे किए, अलाउद्दीन खिलजी जो है सोल्जर्स का जो सैलरी है वो कैश में देने लगे, इक्ता में नहीं देने लगे। उसके बाद जो भी गुड्स का जो प्राइस है वो कंट्रोल किया जाएगा करने लगा दिल्ली में। मर्चेंट जो सामान बेचते थे वो उसको पनिश कर दिया जाता था, जो भी प्रिस्क्राइब रेट से अगेंस्ट अगर मर्चेंट सामान बेच रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था, फिक्स रेट से बेचना है। फिर अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो था वो सक्सेसफुल रहा, क्रॉनिकल्स उसको प्रशंसा भी किए, वो जो है अपने मतलब मंगोल के इन्वेजन से जीत गए, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए, ये जो है ये भी सैलरी कैश में दिए लेकिन टोकन करेंसी लगाने लगे, जैसे अभी लगता है चीप मेटल्स का, है ना, पीपल जो है इसको ट्रस्ट नहीं करने लगे, तो इसलिए जो है बहुत सारा काउंटर फिट हुआ उनके साथ, मतलब उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग गए। पीपल जो है सिर्फ उसको यूज करके सिर्फ टैक्स पे करते थे। तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो फेलियर रहा क्योंकि जो कंपेन चलाए थे कश्मीर में वो डिजास्टर हो गया, मतलब दौलताबाद में जो शिफ्ट किए थे वो लोग बहुत पछता रहे थे क्योंकि उनको टैक्स बढ़ा दिए थे और टोकन करेंसी कर दिए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक पांच छह काम किए थे, इरीगेशन के लिए काम किए थे, डैम्स वगैरह बनाए थे वो भी फेल कर गया था, लोगों को वहां शिफ्ट करके दूसरे जगह भेज दिए थे वो भी फेल कर गया था, टैक्स वाला सिस्टम भी इनका फेल कर गया था। तो मतलब हर चीज जो है हाई लेवल पे कर देते थे, कोई भी चीज जो है बैलेंस लेवल में पछता है। तो नो डाउट बहुत सारा डिफेक्ट था पॉलिसी मोहम्मद बिन तुगलक में, लेकिन जो है वो प्लान किए थे कि मोगल टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे, जैसे कि अलाउद्दीन का जो डिफेंसिव मेजर था इनका अटैकिंग मेजर था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट, तो जो सल्तनत था 15th और 16th सेंचुरी में, सल्तनत डायनेस्टी जो है दिल्ली और आगरा में ज्यादातर रूल किया 1526 तक, उसके बाद जौनपुर में, बंगाल में, मालवा में, गुजरात में, राजस्थान में, इंटायर साउथ इंडिया के पास इंडिपेंडेंट रूलर था। जितने भी न्यू रूलिंग ग्रुप थे जैसे अफगान राजपूत वो सब इस पीरियड में आए थे, है ना, अफगान राजपूत जो छोटे छोटे स्मॉल पावरफुल एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट जो थे वो शेर शाह सूरी सब भी आए थे सासाराम से जो बिहार झारखंड में आता है। इनका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये अलाउद्दीन खिलजी से ही लिए थे, बाद में शेर शाह सूरी का मॉडल फॉलो कौन किया, अकबर मुगल एम्पायर में, जो हराए थे किसको, हुमायूं को 1539 में हुमायूं को हराए थे, डर के मारे भाग गए थे काबुल। ये शेरशाह सूरी रेड बना है NH1 नेशनल हाईवे जो है कौन बनाया है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपको देखिए टोटली जो है आपको कहानी जैसा समझना है। अब इसको कोशिश किया गया है कि एक NCERT से तो थोड़ा सा क्लियरिटी में लाया गया है इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक बार अच्छे से जाके घर पे पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।